दोस्तों नमस्कार, मैं आपका मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। हिंदू मुसलमान की भांग और सांप्रदायिकता की भांग पूरे देश में खोली जा रही है। राम मंदिर के बहाने उस प्रभु को बदनाम किया जा रहा है जिस प्रभु ने अपना पूरा शासन मर्यादा के रूप में चलाया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, जिन्होंने एक मर्यादा रखी एक धोबी के कहने पर, जिन्होंने वो अपराध भी करना स्वीकार कर लिया प्रजा के पीछे जो किसी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। उन्होंने अपनी पत्नी को वनवास दे दिया था और सत्ता के लिए जब उनसे मांगा गया त्याग तो उन्होंने वनवास जाना उचित समझा था अपने पिता के खातिर। ये थे संस्कार भगवान राम के। और आज भगवान राम पर पिछले कई दशकों से बहस चली आ रही है राम मंदिर को लेकर के। पिछले कई महीनों से मोदी मीडिया के ऊपर यही बहस चल रही है राम मंदिर के फैसले को लेकर के। ना रोजगारियों की बात होती है, ना बैंक करप्शन की बात होती है, ना नीरव मोदी की बात होती है, ना मेहुल चौकसी की बात होती है, ना बात होती है उन लोगों की जो आत्महत्या कर रहे हैं, वो लोग जो किसान कहलाए जाते हैं। दोस्तों एक बार फिर से बहस देख रहा था आज शाम, अंजना ओम कश्यप का भी देखा, रोहित सरदाना का भी देखा। आज मुद्दा यह था कि विश्व हिंदू परिषद की एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरह खारिज कर दिया। राम मंदिर के मुद्दे पर बोले कि जनवरी में यह मुकदमा चलेगा, यह मुकदमा सुना जाएगा और इस पर फैसला जब ही लेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के ही लोग और प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाते हैं जबकि सरकार इनकी खुद की है। ये कितनी बड़ी विडंबना है देश की कि इस तरह के व्यक्ति, इस तरह की पार्टी के लोग, इस तरह देश प्रेमी लोग, अपने आप को राष्ट्रभक्त कहने वाले लोग देश की संस्था पर सवाल उठाते हैं। वो ये दलील देते हैं कि जब नक्सलवाद पर सुनवाई होती है तो आधी रात को अदालतें खुल सकती हैं, जब किसी अफजल गुरु पर सुनवाई होती है तो रात को अदालत खुल सकती है, तो अदालत फिर अब क्यों नहीं खुल सकती? भाई सरकार तो आपकी है ना, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब अदालत खुली थी, आपके अटॉर्नी जनरल को पावर है कि वो अदालतें खुलवा सकते हैं। लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट को बदनाम कर देना चाहती है, वो हर चीज नष्ट कर देना चाहती है जो हमें आजादी के बाद मिली और हमने अपनी गाढ़ी कमाई से 70 सालों में कमाई। दोस्तों सरकार की नीयत अगर नीयत साफ होती तो अध्यादेश लाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में सही पैरवी की होती इस सरकार ने, उनके वकीलों ने। जब 3 तलाक पर और हलाला पर एक अध्यादेश लागू हो सकता है तो राम मंदिर पर क्यों अध्यादेश लागू नहीं हो सकता? जब यह दलील दी जा सकती है कि कांग्रेस खिलाफ थी फिर भी भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम बहनों के लिए न्याय लेकर आई, वाह बहुत कमाल किया, तो राम मंदिर पर क्यों लेके नहीं आए? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन सकता है तो राम मंदिर अभी तक क्यों नहीं बना? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जनता के पैसे की बर्बादी थी, उन किसानों का अपमान किया है, उन 10,000 किसानों की आत्महत्याओं को ढकने का काम किया है इस मोदी सरकार ने, जिन्होंने अपनी जान केवल इसलिए दे दी कि बैंकों का उनके ऊपर लोन था और कुछ ऐसे लोग बैंकों का लोन लेके भाग गए जो इस सरकार के प्रिय थे, नियर एंड डियर थे। दोस्तों जब भी सवाल इनसे पूछा जाता है, कोई साधु इनसे सवाल कर ले भाई कि कब बना रहे हो, तो उसको कांग्रेसी बोलने लगते हैं साधु को। आज साध्वी खोसला थी उसी प्रोग्राम में, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने अंजना के सामने पूछा कि आप कभी गोत्र पूछते हो, कभी कुछ पूछते हो, भगवान राम ने सबरी के बेर खाए थे, अनुसूचित जाति की थी, उनके झूठे बेर खाए थे भगवान राम ने, यह है समानता, यह है मर्यादा। आप गोत्र पूछते हैं पॉलिटिक्स में, आप राम के तो भक्त कदापि नहीं हो सकते। जो राम के भक्त होते हैं राम के पद चिन्हों पर चलते हैं, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में फर्क समझिए। और यह भी समझ लीजिए मेरे दोस्तों जो हिंदू हैं उनके नाम भी मेरा एक संदेश है। आप ये तय कीजिए कि आप गोडसे वाले हिंदू हैं या आजादी वाले हिंदू हैं, फ्रीडम फाइटर हिंदू हैं या गोडसे वाले हिंदू हैं, तय कीजिए कि आप गांधी के हिंदू हैं या फिर गोडसे वाले हिंदू हैं, तय कीजिए कि आप हिंसा वाले हिंदू हैं या अहिंसा वाले हिंदू हैं, तय कीजिए कि आप राम वाले हिंदू हैं या रावण वाले हिंदू हैं, तय कीजिए दुर्योधन वाले हिंदू हैं या फिर आप पांडव वाले हिंदू हैं, सत्य के साथ खड़े होने वाले हिंदू हैं या असत्य के साथ लड़ने वाले हिंदू हैं और देश को अस्थिर करने वाले हिंदू हैं। मेरा साधु सन्यासियों के साथ भी कहना है, उनके साथ भी मेरी एक अपील है सब साधु सन्यासियों से, सरकार 4.5 साल हो गई, पूरे देश ने मतदान दिया, इन्होंने विकास की बात की, सारी बात की, अब विकास से हट करके अब दूसरी बातों पर आने लगे हैं मोदी जी। अब राम मंदिर की बात नहीं करते, अब उद्योगपतियों की बात करते हैं। अगले वीडियो में खुलासा करूंगा कि मोदी जी ने कैसे वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया सबसे ज्यादा और देश को ठगा और देश को मूर्ख बनाया।
ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो शेयर कीजिएगा मैक्सिमम, क्योंकि ये वीडियो केवल इसीलिए बनाया है कि लोगों की आंख खुल सके, इनका असली चेहरा सामने आ सके। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।